हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखने वाला है रीजनिंग एनालॉजी का सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाया है जो कि सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट सवाल है, जिस प्रकार DE का संबंध 10 से है तो उसी प्रकार HI का संबंध क्या होगा? यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या भरा जाएगा ऑप्शन में से, वो आप लोग वीडियो को रोकर बनाने की कोशिश करिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लेटर को संख्या में लिख लेते हैं। D कितना बार में आता है तो 4 बार में, E कितना बार में आते हैं तो 5 बार में। अगर इन लोग को दोस्तों हम क्या करें, कोई के तो मन में चल रहा हो कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, और 1 जोड़ देंगे अपना से तो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 दिया है, लेकिन उसी प्रकार इसको करेंगे तो नहीं आ पाएगा। H आता है 8 बार में और आ जाता है 9 बार में। अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 8 9 हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा, और एक उसी प्रकार जोड़ देंगे तो देखिए 18 हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो ए लॉजिक गलत है दोस्तों। सेम इसी प्रकार करते हैं। देखिए D कितना बार में आता है तो 4 बार में, और E आता है 5 बार में। अगर इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो 5 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में 2 से भाग कर देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो यही वाला 10 दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए H दोस्तों कितना बार में आता है तो 8 बार में, I आता है कितना, 9 बार में। अगर इन दोनों को उसी प्रकार दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 हो जाएगा 72, और 72 में अगर 2 से उसी प्रकार भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर C में दिया है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए जिस प्रकार 6 का संबंध, वन सेकेंड, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है तो उसी प्रकार 18 का संबंध क्या होगा? मतलब 6 को क्या करे कि 18 आएगा, 18 को क्या करे कि प्रश्नवाचक के स्थान पे वो संख्या आएंगे। दोस्तों किसी के तो मन में चल रहा होगा ना कि 6 3 18 तो 18 54, लेकिन 54 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो ए लॉजिक गलत है, कोई दूसरा लॉजिक लगाना होगा। अगर दोस्तों देखिए देखा जाए, अगर यहाँ पर हम 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 होते हैं, और 36 के दोनों संख्या को आपस में अगर गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, यही वाला 18 दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी करके देखते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 324 के सभी अंकों को उसी प्रकार गुना कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 3 9 6 6 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया है 24, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रोककर। ठीक है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। 12 का संबंध देखिए 7 से है तो उसी प्रकार 16 का संबंध बताना है। मतलब 12 को क्या करेगी, 7 आएगा, उसी प्रकार 16 को क्या करेगी, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा वो संख्या। कोई के तो मन में चल रहा होगा ना कि 12 में हम 5 माइनस कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 5 माइनस कम करेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन 11 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो ए लॉजिक गलत है। अगर दोस्तों देखिए देखा जाए, अगर मान लो जो 12 संख्या है, 12 में अगर अपना से हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 12 2 हो जाएगा 14, और 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो यही वाला 7 देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगर सेम लॉजिक करेंगे तो लगता है कि आ जाएगा 16 में उसी प्रकार 2 जोड़ देंगे तो 16 2 हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, और 18 में उसी प्रकार 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए 9 भी ऑप्शन नंबर B में दिया है, B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोशिश करिए वीडियो को रोककर बनाने के लिए। ठीक है, ओके गाइस। देखिए जिस प्रकार देखिए 18 का संबंध 9 से है तो उसी प्रकार 12 का संबंध बताना है। मतलब 18 को क्या करेगी, 9 आएगा, 12 को उसी प्रकार करना है। कोई के तो मन में चल रहा होगा ना कि 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 9 दिया है। अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, लेकिन 6 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ए लॉजिक गलत है दोस्तों। चाहे कोई सोच रहे होंगे ना कि 9 में हम ना 9 में मतलब हम 2 से गुना करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, तो यही वाला 18 यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे, मान मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर 6, और अगर यहाँ अगर हम 6 लेंगे तभी तो होगा, 6 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 2 12 होगा, यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ए लॉजिक गलत है दोस्तों, कोई दूसरा लॉजिक लगा कर मानना होगा। अगर दोस्तों देखिए देखा जाए, अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324,
और 324 के अगर आप सभी अंकों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 4 हो जाएगा 9। तो यही वाला 9 दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, लग रहा है कि देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 के सभी अंकों को उसी प्रकार जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 4 9 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया है दोस्तों, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये रहा पांचवा सवाल। कोशिश करिए वीडियो को रोककर बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से है तो उसी प्रकार 5 का संबंध बताना है। SSCGL 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिश करिए बनाने के लिए, देखने में छोटा है लेकिन नहीं बन पाएगा। कोई तो सोच रहे होंगे ना कि 2 का हम अथी करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, अब एक अपना से हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही वाला 5 यहाँ पर दिया है, अगर इसको करेंगे तो नहीं आ पाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, अब एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, लेकिन 26 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ए लॉजिक गलत है। चाहे कोई तो सोच रहे होंगे ना कि 2 में हम ना 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में उसी प्रकार 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ए भी लॉजिक गलत है दोस्तों। कोई दूसरा लॉजिक लगाना होगा दोस्तों। देखिए देखा जाए 2 5 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद मतलब स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 जो भी हैं और आगे होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 2 है, देखिए 2 के अगला संख्या क्या है, 3 दिया गया है। तो मतलब देखिए ये 2 है यहाँ पर, यहाँ पर 2, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के अगला संख्या क्या आया, 3 आया। तो मतलब ये इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 को जोड़ दिया गया, दोनों को प्लस कर दिया गया तो 5 हो गया। तो यही वाला 5 यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी करना है, 5 यहाँ पर देखिए दिया है, 5 की अगला संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 7 है। तो अगला संख्या 7 है तो 5 और 7 को जोड़ लेना है, तो 5 और 7 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी देखिए दिया है 12, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक बार और समझा देता हूँ। मतलब 2 के अगला प्राइम संख्या क्या है, 3 है, दोनों को जोड़े तो 5 हो गया, यहाँ पर 5 दिया है। 5 के अगला प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 है, तो दोनों को जोड़े तो 12 हो गया। तो 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर 12 भरा जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कोशिश करिए बनाने के लिए। जिस प्रकार 11 का संबंध 22 से है तो उसी प्रकार 13 का संबंध बताना है। कोई के तो मन में चल रहा होगा ना कि 11 2 का 22 तो 13 2 का 26, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये लॉजिक गलत है। और दोस्तों मैं बता दूं, SSCGL 2015 में भी यह सवाल पूछा गया था। कोशिश करिए बनाने के लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अगर दोस्तों देखिए 11 जो 1 1 से मिलकर बना है, अगर इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ लेंगे दोनों संख्या को, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी 11 से इसी 2 में अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 11 ना, तो 11 2 का हो जाएगा 22 हो जाएगा। यही वाला 22 दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी करना है, 13 के साथ भी 13 के दोनों संख्याओं का करना है, उसी प्रकार जोड़ लेंगे तो दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह से इसी 4 में गुना कर देंगे उसी प्रकार, तो कितना हो जाएगा, 13 4 52 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए जिस प्रकार 8 का संबंध 55 से है तो उसी प्रकार 9 का संबंध बताना है। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन में से, वो आप लोग कोशिश करिएगा बनाने के लिए। अगर दोस्तों देखिए देखा जाए, इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अगर दोस्तों देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 2 64 होता है। और 8 के बाद अगला संख्या क्या आता है, मतलब गिनती में 8 के बाद आता है 9। तो यही वाला 9 दोस्तों अगर हम 64 में अगर माइनस कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा ना। तो यही वाला 55 देखिए यहाँ पर दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे, यहाँ थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं इसे। देखिए 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है, और 81 होता है, ठीक है। और 9 के बाद अगला संख्या गिनती में क्या आता है, 10 आता है। तो यही वाला 10 81 में कम कर देना है तो कितना बचेगा, 71 बचेगा। और ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कोशिश करिएगा बनाने के लिए।
कोई के तो मन में चल रहा होगा कि ना कि चार तिहाई 12 तो पंतियाई 15, लेकिन 15 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। चाहे कोई सोच रहे होंगे ना कि चार चौके 16, हाँ बन जाएगा। देखिए चार का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो चार चौके 16 हो जाएंगे, और यही वाला चार अगर 16 में माइनस कम करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यही वाला 12 यहाँ पर दिया गया है, अगर सेम तरीका करेंगे तो आ जाएगा। देखिए पाँच का स्क्वायर करेंगे, पाँच का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 5 बचे 25, और यही वाला 5 माइनस कम कर देंगे उसी प्रकार तो हो जाएगा 20। और ऑप्शन में भी दिया है, ये लॉजिक सही है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, और फिर मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।